आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्पल हॉल। लेकिन इस बार का जो पर्पल हॉल है वो बहुत छोटा सा पर्पल हॉल है। एक्चुअली मैंने बहुत थोड़े से प्रोडक्ट मंगवाए हैं इस बार पर्पल से, और मुझे करना था एक्चुअली एक, मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि आपको वन ब्रांड का कौन सा मेकअप ट्यूटोरियल आपको देखना है, कि ब्लू हेवन देखना चाहते हो, मार्स का देखना चाहते हो, और शायद एक दो ब्रांड्स और मैंने उसमें डाले थे। तो आप सब लोगों ने उसमें वोट किया मुझे ब्लू हेवन का, ये। वैसे तो गाइस मेरे पास ना ब्लू हेवन के ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं ना जो मेरे पास नहीं है मैं वो वाले प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली ना मैंने पिछले, आपने अगर देखा होगा नायका से, मैंने काफी सारे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार पर्पल से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए और जो रह गए हैं प्रोडक्ट्स वो मंगा लिए जाए। तो चलिए देखते हैं आज मैंने कौन से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, और या तो चलिए हॉल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस बार ना पर्पल ने मुझे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 बॉक्स भेजे हैं। आई डोंट नो, इस बार ना बहुत सारे डिवाइड होके आया है मेरा जितने भी सामान आया है, और पहला ही जो कुरियर मुझे आया ना उसने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आई शैडो पैलेट मुझे कौन सी लेनी चाहिए ब्लू हेवन में, क्योंकि कोई भी पैलेट ऐसी नहीं थी जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। एक तो वो बिल्कुल वो छोटे वाले थे जिसमें चार शेड्स होते हैं, और वो मुझे अपील नहीं कर रहा था कि मैं उसको खरीदूं। और उसके बाद एक ये वाली पैलेट थी, उसके अलावा एक ऐसे वो वाली पैलेट भी थी जो ऐसे इतनी आती है ना, उसमें आई थिंक 6 शेड्स होते हैं या 5 शेड्स होते हैं। मतलब कि मैं सच्ची बताऊं, मैं आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा पैलेट लेना चाहिए कौन सा नहीं। फिर भी मैंने दिल को मना के ये वाली पैलेट ले ली, और इसके भी कुछ ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे नहीं तो। और जब मुझे ये पैकेट रिसीव हुआ, मुझे गाइस ये टूटा हुआ रिसीव हुआ, पूरा का पूरा पैलेट पूरा खराब हो रखा था। ये इतना ज्यादा से पूरा एक आई शैडो पैलेट के साथ ना पूरा से गंदा हो रखा था। मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक्चुअली इसमें ना एक कलर टूटा हुआ आया है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। एक्चुअली दो नहीं, इसमें एक कलर नहीं, इसमें तीन कलर टूटे हुए आए हैं, लेकिन ये कि वो पूरे ऐसे निकल जाते हैं, मैं आपको दिखाऊं। और एक जो कलर है ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है, और इसका बाकी का साइड का कहाँ है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये इसका जो बिल्कुल जो पाउडर था ना वो पूरी आई शैडो पैलेट इसके साथ लिपटी हुई थी। और इनकी गाइस क्वालिटी, ओ गॉड, आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ। इतनी पथेटिक क्वालिटी के मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हूं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ कैसे मेकअप लुक अचीव करूंगी और क्या करूंगी। ब्लू हेवन ने मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, बाय गॉड, मैं बहुत ज्यादा अंदर से ना सैड हूं कि मैं इसके साथ कैसे काम करूंगी। ये बिल्कुल भी क्वालिटी गाइज बहुत ज्यादा चौकी है, बहुत बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आप हिलरी रोडा या फिर बहुत ही ज्यादा सस्ते वाले पैलेट भी अगर आप देखो ना, हिलरी रोडा हो गया या फिर स्विस ब्यूटी हो गया, जो 200-200 रुपए के भी मिलते हैं, 150-150 रुपए के भी मिलते हैं ना, वो फार बेटर हैं। इवन मुझे लगता है कि जो ऐसे रस्ते में भी मिलते हैं ना ब्रांड्स, मुझे इनके नाम नहीं पता, जो नकली वाले आते हैं, ड्यूप्स वाले आते हैं, वो भी बेटर होते हैं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसकी क्वालिटी इज सो पथेटिक, प्लास्टिक का क्वालिटी इज सो चीप, 20 रुपए भी इसकी मुझे लगता है वैल्यू नहीं होगी, इतनी ज्यादा बेकार है। और ये इसका जो एमआरपी था, इसका एमआरपी था 135 रुपीज, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इसके पे किए 100 रुपीज के आसपास, कुछ 108 या ऐसा कुछ। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई हूँ इस पैलेट को खरीद के, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कभी यूज करूंगी, लेकिन वन ब्रांड के लिए मैं ट्राई करूंगी इसको यूज करने के लिए। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था इसका, ब्लू हेवन की वॉक फ्री लिपस्टिक, और मैंने एक ही शेड मंगवाया जस्ट ऐसे ही रैंडम, क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल थी, लाइक 60 रुपीज या 70 रुपीज के आसपास थी। तो इसमें शेड्स काफी सारे थे, तो मुझे लगा कि चलो एक ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि इसके साथ की जो ब्लू हेवन की जो लिक्विड लिपस्टिक्स आती है ना एलिगेंस वाली, उसके मैंने दो शेड ऑलरेडी ले लिए थे पिछली मेरे हॉल में, एक मैंने न्यूड लिया था और एक रेड कलर लिया था। तो ये लिया है शेड, शेड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, न्यूड शेड है, और ये गाइस मैट लिपस्टिक है, और बहुत ज्यादा ना पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे शेड इज नो डाउट बहुत ज्यादा प्रिटी है, बट इसको ना अच्छे से घिसना पड़ता है तब जाके लिपस्टिक का जो असली कलर है ना वो निकल के आता है। और जो लिपस्टिक है ना वो काफी वैक्सी है और लिप्स के ऊपर बहुत हैवी हैवी सी फील होती है। 60-70 रुपीज में तो गाइज आपको यही मिलेगा, और क्या एक्सपेक्ट करते हो। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है ब्लू हेवन का ही,
नहीं ब्लू हेवन का नहीं है, ये है NYB का एक मैंने नेल पेंट मंगवाया वैसे ही जस्ट ऐसे ही रैंडमली, मुझे बहुत सारे नेल पेंट्स की सजेशन आ रही थी तो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं। ये जेल है और मैंने इसको अपने एक थंब पे लगा के भी देखा था, तो ये से शाइनी वाला है। आप देख सकते हो मेरे नेल्स वैसे ज्यादा नहीं है पर मैंने अपनी ये मॉम के लिए मंगवाया ये शेड, इस तरह के शेड्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये मंगवा लिया। और इसका भी प्राइस 60 या 70 रुपीज आई गेस इतना ही कुछ था। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है ब्लू हेवन का, मेरा फेवरेट ये है इसका ब्लू हेवन का मेकअप ब्लेंडर और इसका प्राइस है 175 रुपीज। मैं ऑलरेडी इसका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो यूज कर चुकी हूँ, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था। इस बार जो मैंने शेप मंगाई है ना थोड़ी डिफरेंट वाली मंगाई है और मुझे लगता है ब्लू हेवन का ओनली प्रोडक्ट है जो मुझे ज्यादा पसंद है। और इस बार आप शेप देख रहे हो कितनी डिफरेंट इसकी शेप है, बहुत ही अलग तरह की शेप है, मुझे बहुत पसंद आई है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए। तो या ये तो था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद ब्लू हेवन का लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया, जो मेरे पास नहीं थे क्योंकि मुझे वही लेने थे, ये लिया है मैंने एक ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला और ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। और इसको मैंने एक बार यूज करके देखा है, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा है, मतलब 300 रुपए का है ये तो 300 रुपए के हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा है। और या तो चलिए अब ये तो था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसको मैं अंदर से भी आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ ये किस तरह का दिखता है। तो ये इस तरह की बॉटल आती है इसकी, पर्पल कलर की बॉटल भी सुंदर है, 300 रुपीज के हिसाब से इसका मिस्ट भी मुझे अच्छा लगा, फ्रेग्रेंस भी इसकी ओके है, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल वाली नहीं है, नहीं तो कुछ सेटिंग स्प्रे ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा अल्कोहलिक वाली होती है तो ये टॉलरेबल है ओके। तो उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वॉस्किन साइंस के, तो अभी वॉस्किन साइंस के ना नए वाले शैम्पूज लॉन्च हुए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी, मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे भी देखा था और वाओ की ऐप पे भी देखा था। ये वाला शैम्पू इनका लॉन्च हुआ है वाओ का हिमालयन रोज शैम्पू और इसकी मैंने पूरी किट मंगाई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आई लव, मुझे ना जो भी शैम्पूज और कंडीशनर्स होते हैं वो सेम रेंज के यूज करने अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे साथ होता गया है कि हमेशा शैम्पू कंप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कंडीशनर्स रह जाते हैं, बट स्टिल मुझे फिर भी होता है कि शैम्पू जब मुझे चाहिए नया तो मुझे कंडीशनर मास्क साथ में चाहिए ही चाहिए। तो मैंने मंगाया है इसका वाओ का हिमालयन रोज नया शैम्पू और इसका मैंने मंगाया है ये कंडीशनर जो कि इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको मिलेगा और पैकेजिंग जो इसके अंदर की पैकेजिंग है वो भी सेम है। और इन पे ना कुछ डिस्काउंट भी चल रहा था, इनके ऊपर कुछ ऑफर भी थी वाओ के ऊपर, तो मैंने इसलिए मुझे काफी अफोर्डेबल पड़ रहा था, सस्ता पड़ रहा था। इसका जो MRP है 449 रुपीज है और 300 ml इसकी बॉटल है और कंडीशनर का भी सेम प्राइस है। और इसी के साथ का मैंने मास्क भी मंगवाया है ये वाला, ये है वाओ का हिमालयन रोज हेयर मास्क और इसकी जो कंटेनर है वो वैसा ही है सेम जैसा सभी इनके मास्क की आती ही है कुछ इस तरह की। और इनकी जो गाइस फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफी अच्छी लगी और या और इनको मैं यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। इनको एक्चुअली मैंने काफी देर पहले मंगाया था, मुझे एक हफ्ता हो चुका है इनको मंगाए हुए तो मुझे लगा कि अलग से क्या वीडियो बनाना, मैं आपको इसी में ही दिखा देती हूँ। तो या ये तो मैंने अलग से मंगवाए और उसके अलावा मैंने वाओ के दो अलग और प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए थे, ये थे वाओ का प्योर विटामिन डेली फेस जेल और इसमें एक डे के लिए आता है और एक नाइट के लिए आता है, ये डे जेल है और ये नाइट जेल है, ये एलोवेरा जेल है गाइज। और आपको पता है कि एलोवेरा जेल की मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, मुझे एलोवेरा जेल्स बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि अब विंटर्स खत्म हो रही हैं, बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है वेदर में और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एलोवेरा जेल्स समर्स में यूज करने के लिए। और ये ना काफी अफोर्डेबल प्राइस पे थे, इसका प्राइस है 399 रुपीज और आप देख रहे हो काफी ह्यूज बॉटल है लेकिन मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई थी तो इसलिए मैंने ये दोनों को ले लिया कि एक डे के लिए यूज करूंगी एक नाइट के लिए, स्पेशली समर्स के लिए क्योंकि समर्स में मेरी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी ऑयली ग्रीजी भी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये ले लेने चाहिए, ट्राई करती हूँ इनको और जल्दी ही मैं आपको इनका रिव्यू भी दे दूंगी। तो या तो गाइज ये तो था मेरा पर्पल हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से एक प्रोडक्ट मैं अभी भी भूल गई हूँ, मुझे पता नहीं मैंने क्यों नहीं ऑर्डर किया, ये कैसे मिस हो गया, मेरे पास अभी भी ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर नहीं है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे लेना चाहिए या फिर मुझे उसका लूज पाउडर लेना चाहिए, मुझे क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स ओके ओके लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, 50-50 सा मामला है। तो या गाइज ये तो था मेरा पर्पल हॉल वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और या थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।